हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सिंधु होम किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत टेस्टी मिठाई और ये बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए नहीं गैस चलाने की ज़रूरत पड़ेगी और नहीं चाशनी बनाने की, तो ये बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। इस मिठाई को कोई भी बना कर तैयार कर सकता है और किसी भी त्यौहार पर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जिसके लिए रोस्टेड चना ली थी और इसके छिलके उतार ली हूँ और इसको मिक्सी ग्राइंड में डालकर इसे फाइन पीस ली हूँ। एक बॉल ली हूँ, उसमें सारी चीज़ को निकाल लूँगी और उसी जार में हाफ कप चीनी डालकर इसे भी पीस लूँगी। बराबर मेजरमेंट बिल्कुल बराबर रखिएगा तो मिठाई का जो ना ज़्यादा मीठा होगा ना ही ज़्यादा कम होगा, तो ऐसा रखिएगा, बिल्कुल मेजरमेंट परफेक्ट रखिएगा। हाफ कप ली थी मिल्क पाउडर मिठाई का टेस्ट देने के लिए और हाफ कप नारियल बुरादा। सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से कर दूंगी मिक्स हो गया है तो रूम टेम्परेचर पर ये दूध है, दूध को उबाला हुआ दूध है लेकिन ठंडा है, और ये ठंडा करके थोड़ी थोड़ी दूध डाल के इसे डो लगाना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाना है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा ही डालकर दूध लगाएं, क्योंकि एक साथ दूध ना डालें तो ये थोड़ा सा डो बहुत अच्छे से लग गया है और अच्छा ही, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। तो थोड़ा सा घी डालूँगी ऊपर से और इसे डो को चिकना कर लूँगी। ये प्रोसेस ना बिल्कुल हल्के हाथों से करना है और डो बिल्कुल चिकना हो गया था तो स्लेब पे हल्का सा इसे रोल कर ले रही हूँ। रोल भी बहुत हल्के हाथों से करना है। रोल बिल्कुल हो गया था तो रोटी फाइल ली थी और इसमें 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख दूँगी। इसे जब कट करेंगे ना तो बहुत ईजली बहुत अच्छे से कट हो जाएगा, तो आप इसे 10 से टाइम ज़्यादा है तो मैं 15 से 20 मिनट के लिए भी इसे रख सकते हैं। 10 मिनट हो गया है और ये रोल भी अच्छे से सेट हो गया है, तो मैं निकाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेट हो गया था। थोड़ा सा कटिंग किया हुआ पिस्ता ली थी और पिस्ता को रोल को घुमाते हुए पिस्ता में लपेट लेंगे। आप यहाँ पे और भी कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पिस्ता ही ली थी और बहुत अच्छे से हल्के हाथ से इसे रोल में दब जाएगा। और एक प्लेट लूँगी और उसमें बिल्कुल ईजली से काटना है, बहुत आसानी से ये कट जाता है, अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं इसे। और बहुत जल्दी तैयार हो गया ये हाई प्रोटीन मिठाई। आप इसे कोई भी त्यौहार पे इंजॉय कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।